इस वक्त मैं झारखंड की राजधानी रांची में मौजूद हूं और आप देख सकते हैं ये भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यालय है। हरमू रोड स्थित इस प्रदेश कार्यालय में आग लग गई है और आग पर काबू पाने के लिए दमकल की गाड़ियों को यहां पर लाया गया है। आप दूसरी तस्वीर देख सकते हैं कि बीजेपी कार्यालय के कमरे में एसी में संभवतः शॉर्ट सर्किट के कारण ये आग लगी थी और आग धीरे धीरे विकराल रूप ले रही थी, जिसके बाद यहां मौजूद नेताओं ने तत्काल फायर ब्रिगेड की गाड़ी को यहां बुलाया है। फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, उस विभाग को सूचना दी गई, उसके बाद यहां गाड़ी पहुंची है और आप देख सकते हैं तस्वीरें, आग पर काबू पाने की यहां पर कोशिश की जा रही है। बता दें कि दमकल की गाड़ियों के द्वारा लगातार जिस कमरे में आग लगी थी वहाँ पर बता दें को फर्स्ट फ्लोर का वो कमरा है, आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, उस कमरे में पानी का यहाँ से दमकल की गाड़ियों के जो कर्मचारी हैं फायर ब्रिगेड उनके द्वारा यहाँ पर देख सकते हैं कि पानी का छिड़काव किया जा रहा है, जिसके बाद अब फिलहाल आग पर काबू पाया हुआ ऐसा लग रहा है कि जैसे आग पर काबू पा लिया गया है। लेकिन यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल हो गया था, आप देख सकते हैं कि दमकल की गाड़ियाँ मौजूद है और ये भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यालय है। इस वक्त की बात करें तो प्रदेश कार्यालय के अंदर प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, संगठन महामंत्री समेत कई विधायक और कई ऐसे भी यहाँ पर नेता पहुँचे थे जो टिकट के लिए, चूँकि बता दें कि झारखंड में विधानसभा चुनाव का होना है, ऐसे में कई नेताओं का प्रदेश कार्यालय आने का सिलसिला लगा हुआ है, तो कई नेता यहाँ पर आए हुए थे। और आज की बात करें तो आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आज घोषणा पत्र भी जारी किया जाना है, इसे लेकर भी कई नेताओं के बीच चर्चा हो रही थी। इसी बीच एकाएक कार्यालय के ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर का जो कमरा था वहाँ पर एसी में शॉर्ट सर्किट के कारण ब्लास्ट हुआ, उसके बाद आग लग गई, अफरा तफरी का माहौल हो गया था, दमकल की गाड़ियों को बुलाया गया और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि लग रहा है जैसे अब फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन यहां पर अफरा तफरी की माहौल हो गई है, वो भी राजधानी रांची में। वहीं दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं कि चूँकि ये हरमू का अति व्यवस्थम इलाका है और यहाँ पर आग लगने की सूचना के बाद जाम जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो गई है। हालांकि दमकल की गाड़ियों ने और दमकल के जो फायर ब्रिगेड के लोग हैं उनके द्वारा फिलहाल लग रहा है जैसे आग पर काबू पा लिया गया है। फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष इस कार्यालय में मौजूद है, थोड़ी ही देर में यहां पर हिमंता बिस्व शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं उनको भी यहां पहुंचना था। कई नेता बीजेपी के लगातार यहां पर आ रहे हैं, जैसे उन्हें सूचना मिली कि प्रदेश कार्यालय में आग लगी है, लगातार नेताओं का भी रांची पहुँचने का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं कि लगातार फायर ब्रिगेड के जो लोग हैं वो चारों तरफ से पूरे बिल्डिंग का मुआयना कर रहे हैं कि और किन किन क्षेत्रों में आग लगी है और कितनी आग की भयावहता है। हालांकि फिलहाल ज़्यादा नुकसान जैसा नेता यहां के बता रहे हैं कि ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है और एसी में शॉर्ट सर्किट से ब्लास्ट हुआ था जिसके बाद आग लग गई थी। आप तस्वीरें देख सकते हैं, इस वक्त मैं रांची के हरमू में प्रदेश कार्यालय के बाहर मौजूद हूँ और जहाँ पर आग लगी की घटना हुई थी। TV9 के लिए रांची से मैं अशोक कुमार।